हेलो भाई। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कि अगर आपके एसी का ये पीसीबी पार्ट होता है, अगर ये खराब हो जाए तो आप उसको कैसे रनिंग में ले सकते हो, कैसे उसकी कूलिंग ले सकते हो बिना पीसीबी कार्ड के। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और ये सारी चीज समझ में आ जाएगी कि आप बिना पीसीबी के अपने एसी को कैसे यूज में ले सकते हो। ये बस ओनली नॉन इन्वर्टर एसी पे वर्क करता है, इन्वर्टर एसी पे वर्क नहीं करता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लाइट से देखना, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, जब आपका एसी बंद हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है कि आपके पीसीबी बोर्ड खराब हो गया हो, उस वजह से आपका एसी कम्प्लीटली चल नहीं पाता और कोई टेक्नीशियन आपके यहाँ पे आता है या फिर आपको टेक्नीशियन हो, तो अब बिना पीसीबी कार्ड के अपने एसी को कैसे यूज में ले सकते हैं, तो ये सारी चीज मैं आपको डायग्राम में समझा दूंगा कि ये कैसे वर्क करेगा बिना पीसीबी के। तो इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, तो जब आप बिना पीसीबी के एसी को चलाओगे तो आपको टाइम टू टाइम उसको एसी को खुद से बंद करना होगा, यानी कि जब आपके कमरे में कूलिंग आ जाए और आपको फील हो जाए कि हाँ इतनी कूलिंग हमारे लिए परफेक्ट है, ठीक है, तो आप उसको एसी को मैन्युअली बटन से बंद करना आपको होगा। बिकॉज अगर आप उसको बंद नहीं करोगे तो आपका एसी कंटिन्यू रन करता रहेगा, जिससे कि क्या है कि आपके कंप्रेशर या फिर कैपेसिटर पर लोड पड़ता है और वो खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। और ये किस वजह से होता है कि जो इसमें सेंसर लगे होते हैं तो सेंसर इसके सेंस नहीं कर पाएंगे और ये डायरेक्टली चलता रहेगा। तो अब बात करते हैं इसकी कि इसका बिना पीसीबी के कैसे एसी को यूज में ले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका आउटडोर है तो आउटडोर को सेम एज इट सेम रखना है, इसमें कोई आपको चेंजेस नहीं करने हैं। बात रही इंडोर की, तो इंडोर में जो ब्लोअर मोटर लगी होती है हमारे, तो ब्लोअर मोटर में तीन वायर निकले होते हैं, तो तीन वायर में से दो वायर जाएंगे कैपेसिटर में और एक वायर बचेगा वो जाएगा अपने फेज में। तो एक गया फेज में और जो कैपेसिटर पर आपने दो वायर लगाए तो उनमें से किसी में भी एक में आप न्यूट्रल दे देना, और वही न्यूट्रल फेज आपको कंप्रेशर पे देना यानी कि आउटडोर के लिए देना, तब आपके एसी कंप्लीटली कूलिंग करने लग जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना कि आपको टाइम टू टाइम इसको मैन्युअली बंद करना होगा, तब जाके आपके कंप्लीट एसी चल पाएगा। और जब आपके पीसीबी रिपेयर होगा आ जाए या फिर तो आप उसको रिप्लेस करा रहे हो तो रिप्लेस होके आ जाए तो उसको आप चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।